Hi. A salute to all my viewers. My name is Shrikant. You are watching the Dalai Dose. And आज का जो वीडियो है वो है एक बॉलीवुड की एक जानी मानी मॉडर्न जमाने की सक्सेसफुल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर. यस, यू हर्ड इट राइट, श्रद्धा कपूर. सो इस वीडियो के दो पार्ट्स है. पहले पार्ट में मैं बताऊंगा लड़कियों को कि किस तरह आप श्रद्धा कपूर जैसी बन सकती है, और दूसरा पार्ट है मेरे भाइयों के लिए, लड़कों के लिए, कि आप श्रद्धा कपूर जैसी लड़की कैसे पटा सकते हैं, या फिर आपने अगर पटा ली है तो उस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो माय डियर गर्ल्स, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज फॉर यू. अगर आपको श्रद्धा कपूर जैसे बनना है तो क्या करना है? तो देखिए जी, डाइट, फिटनेस, ब्यूटी, कॉस्ट्यूम्स, ये तो हर कोई कर लेता है. बट यू नीड टू डू समथिंग विच इज स्पेशल एंड विच इज अबव ऑल दिस. सो अगर आपको श्रद्धा कपूर जैसे बनना है तो द फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज, आपको पता होना चाहिए आपके सिटी का वेदर रिपोर्ट. यस, यू हर्ड इट राइट. आपको पता होनी चाहिए कि आपके सिटी में कब, कहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है. यस, जल ही जीवन है, इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए. आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे बारिश होने वाली है, आपको रेडी रहना पड़ेगा. और जिस समय बारिश हो, जहां पे कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हो किसी छत के नीचे अपना सर छिपाने के लिए, दैट्स योर मोमेंट. आपको उसी मोमेंट में अपना कमाल दिखाना है. तो आपको क्या करना है, जैसे ही बारिश होता है आपको ऐसे चलना है बारिश में जैसे यू आर एंजॉयिंग इट विथ फुल कॉन्फिडेंस, और ऐसे बारिश में जाके उस बारिश को महसूस करना है. आपको पता है कि सब आपको देख रहे हैं, बस जैसे ही आपने कर दिया, भरी बारिश में जाके खड़े हो गए, दिखा दिया सबको कि यू आर एंजॉयिंग इट, बस सब लड़के फ्लैट आप पे. समझ आया आप लोगों को? थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाऊं, चलिए देखते हैं. तो भैया ये चल रहा है कॉलेज एडमिशन का सीन, यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट लगी है, सब बच्चे हैरान परेशान कि हमारा नाम आया नहीं आया. उसी बीच में हमारा हीरो, और ये क्या, आगे हमारी मैडम बालों का लहराते हुए पहले लिस्ट की तरफ बढ़ी और अपना हीरो देख रहा है. हाय हाय, क्या स्माइल दी है. और अपनी हीरोइन देखती है पहले लिस्ट में नाम नहीं मिला पहली लिस्ट में, और बढ़ती है दूसरी लिस्ट की तरफ. और ये क्या, दूसरी लिस्ट देखने से पहले ही, ये क्या, बारिश, चलो भीगने, बाढ़ में गया लिस्ट. हाँ तो माय डियर गर्ल्स, आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप कुछ भी हो रहा हो, बारिश हो जाए तो आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए. देखिए यहाँ पे अपने हीरो आए भरता रहेगा, और जैसे ही मुड़ा निकल चुकी थी हीरोइन, और किस तरह बारिश को एक अनोखे अंदाज में देखते हुए आगे बढ़ रही है, आपको भी वैसे ही जाना है. सारे लड़के उसको देख रहे हैं, उसको पता है, और किस फील के साथ वो भीग रही है बारिश में, और अब राउंड 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 टर्न कर रही है, और ऐसे फील कर रही बारिश को, इसे पता नहीं क्या अद्भुत चीज हो रही है. चलिए टाइम फॉर वन मोर एग्जाम्पल. मान लीजिए आप क्लब में हैं, नाच रहे हैं, जाने का टाइम हुआ और बहुत तेज बारिश हो गई है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, अपना सर छिपा रहे हैं, और उसी टाइम हीरो की नज़र एक जगह पड़ी, और देखिए यहाँ किस तरह हमारी मैडम निकली है फिर से, न सब इधर उधर भाग रहे हैं, मैडम को बस भीगना है बारिश में, और ये देखिए आंखें बंद हो गई है, क्या क्या इमोशन दे रही है, जैसे इनको ऑर्गेजम हो रहा है बारिश से. भैया अब जो लड़कियाँ हॉस्टल में रहती है उनको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही बारिश होती है सभी लड़के अपने कपड़े उठाने आते हैं बैल्कनी में, और जैसे ही लड़के आते हैं अपने बैल्कनी में कपड़े उठाते हैं, आपको सेम उसी बैल्कनी के सामने से निकल के जाना है बारिश में भीगते हुए, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. ये देखिए यहाँ पे किस क्या कॉन्फिडेंस से चल रही है मैडम. तो लड़कियों समझ आ गया? तो भाई लड़कियों के लिए तो आसानी था मामला, बारिश में भीग जाने से काम बन जा रहा था, बट लड़कों के लिए इतना ईजी नहीं है. अगर आप लड़के हैं और आपको श्रद्धा कपूर जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी श्रद्धा कपूर जैसी गर्लफ्रेंड है, तो आपको उस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए बहुत सारा क्वालिटी, बहुत सारा स्किल सेट चाहिए. तो भैया अब क्या क्या है वो स्किल सेट, चलिए देखते हैं. इधर आओ, हमारी पहली फाइट की पहली सेल्फी. पहली फाइट की पहली सेल्फी, क्या समझे लोंडो? भैया इस प्रजाति की जो लड़कियां होती है वो पिक और सेल्फी की भूखी होती है, तो आप चाहे कितने भी इरिटेटेड हो उससे, चाहे आपका मन कर रहा हो कि अपना सर जाके किसी दीवार पे मार दे, बट फिर भी पिक खींचना मत भूलिएगा. सो जो पहली क्वालिटी जो लड़कों में होनी चाहिए अगर ऐसी लड़की के साथ होना है, यू शुड नो हाउ टू क्लिक पिक्स.
सो बॉयज, अगर आप श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड है तो आपको बाहर तो घुमाना पड़ेगा ही। अब उसको कहाँ लेके जाएंगे? वहां लेके जाइए जहाँ पे पानी है। पानी इन द सेंस ओशियन हो गया या फिर कोई वाटरफॉल हो गया, या फिर अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो वहीं सी साइड पे लेके जाइए। बट जहाँ भी लेके जाइए वहाँ पे पानी होना जरूरी है। अगर शाम को कहीं लेके जा रहे हैं तो कहीं और नहीं, आपको सीधा उसको बीच ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इसमें देख रहे हैं जैसे कि अपने हीरो ने पानी दिखाया तो भी आप देख सकते हैं कितने खुश हो गए, पागलों की तरह पानी में घुसे जा रही है। और आपको घबराना नहीं है, चाहे वो कितनी भी पागलपन वाली हरकत करे, आपको पानी दिखाए, आप कितने भी इरिटेटेड हो, पॉइंट नंबर वन हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी होता रहे आपको तो बस कैमरा निकालना है और चुपके से फोटो खींचना है। हाँ, अगर आपको हिल स्टेशन लेके जाना है तो यू कैन, बट ओनली ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि हिल स्टेशन पे तभी जाएगी जब उसको बारिश जैसा स्नोफॉल हो रहा हो। तो भाई लड़कों, जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है स्विमिंग। और स्विमिंग नॉर्मल स्विमिंग से काम नहीं चलने वाला, आपको सीखनी पड़ेगी एडवांस्ड अंडर वाटर स्विमिंग। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों भाई? अब ऐसी लड़कियों को इतना प्यार है पानी से तो ये कभी भी छलांग मार देती है पानी में, और वो भी गहरे से गहरे पानी में। और आप तो भी इनके बॉयफ्रेंड हो तो आपको भी इनके पीछे कूदना ही पड़ेगा। तो कैसे कूदोगे जब तक आपको नहीं आएगी एडवांस्ड लेवल स्विमिंग? और तो और, ये लड़कियां अंडर वाटर किसिंग भी करती है, तो कैसे करेंगे आप वो सब जब तक आप नहीं सीखेंगे? ऐसे हुआ है भैया, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, आपको देखना है। देखिए अब यहाँ पे भैया, इस बेचारे लड़के को बिल्कुल आइडिया नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। बीच नदी में एक नाव में श्रद्धा के साथ जा रहा है, और अभी सडनली श्रद्धा को कुछ दिख चुका है, भाई की फटी पड़ी है, और ये इतनी खुश है, इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा, मछली दिख गई इसको, और ये क्या, ये लो भैया, ये गई पानी के अंदर। अब लड़के ने 2 सेकंड भी नहीं लगाया भैया, घुस गया, और अब क्या ढूंढ रहा है, कहाँ गई, कहीं वेल तो नहीं खा गई उसको? आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, अंडर वाटर स्विमिंग तो जरूरी है भैया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नजारा है अंडर वाटर किसिंग का, और ये एक और एग्जाम्पल अंडर वाटर किसिंग का। भैया तो पहले भी आपने देख ही लिया था कि श्रद्धा जैसी लड़कियों को बारिश कितनी पसंद है, तो ये ऐसी लड़कियां बारिश में किस करना पसंद भी करती हैं। तो आपको बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना किसिंग व्हाइल इट इज रेनिंग। बट भैया बारिश हल्की फुल्की हो रहा हो तो बात बन जाती है, बट मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि बारिश एकदम तड़ातड़ हो रही है, बहुत ही तेज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे। अब श्रद्धा का मन तो है किस करने का, आपका भी है, बट बारिश इतनी तेज है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, जिस तरह इस लड़के ने अपने दिमाग का यूज करके अपना कोट उतारा और अपने कोट को बहुत ही अच्छे से यूज किया श्रद्धा को और खुद को ढकने में, और ढकने के बाद क्या किया उसने, किस। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस लड़के ने अपनी शर्ट उतार के श्रद्धा को दे दी है, जिससे वो और इमोशनल हो गई है। तो यू शुड नो हाउ टू मेक हर कंफर्टेबल व्हाइल इट इज रेनिंग। तो भैया लड़कों, अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। भैया अब हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड या फिर उसका हस्बैंड उसको बहुत स्पेशल तरीके से उठाए। अब मान लीजिए आपको श्रद्धा को उठाना है, आपको पता है बारिश होगी तो पक के आ जाएगी वो घर के बाहर, बट अब बारिश तो आपके हाथ में नहीं है, तो अब कैसे उठाओगे उसको? जैसे इस लड़के ने उठाया, क्या किया इसने, इसने किया बर्फ की बारिश। कैसे? इसने मंगाया अमेजन से स्नो मशीन, जो कि डीजे यूज करते हैं पार्टीज में। तो आप भी एक स्नो मशीन ऑर्डर कीजिए, कीजिए बर्फ की बारिश, देखिए कैसे उठ के भग के आती है घर के बाहर। बट चाहे वो कुछ भी करते रहे पागलों की तरह, आप पिक लेना मत भूलिए। भैया अगर आप इतने सारे चौचले झेलने के बाद भी अगर आप में थोड़ी पेशेंस बची है तो आप 2-4 स्किल सेट और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तितली पकड़ना। देखिए जैसे इस लड़के ने तितली पकड़ा, श्रद्धा कैसी बड़ी बड़ी आंखें करके खुश हो रही है, बट लड़के का फोकस बिल्कुल नहीं बिगड़ा, झट से उसने कैमरा निकाला और खट से पिक ले ली। थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि ऑफिस आने के बाद आप सोफे की जगह बाथटब में जाके बैठ सकते हैं। बस यही कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना है मेरे लड़कों, अगर आपको लेजेंडरी श्रद्धा कपूर के साथ रहना है तो। तो भाई मेरे लड़कों, आ गया समझ? तो भैया लड़कों को भी सब समझ आ ही गया है, लड़कियों को भी बता ही दिया है। जब दोनों को समझ आ गया है सीक्रेट टू सक्सेस ऑफ लाइफ, तो बचा ही क्या है, नाचिए बेफिक्र हो। This brings us to the end of this video. My dear boys and girls, thank you so much for watching me.
आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। अगर आपको ऐसे ही ह्यूमरस वीडियोस चाहिए फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। आई विल कीप कमिंग अप विद न्यू कंटेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।